हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल आरडीवी। तो आज की इस खास वीडियो में हम इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे। दिस इज़ लेटेस्ट बुलेट, इंडिया की जान, रॉयल एनफील्ड की शान, एंड दिस इज़ क्लासिक। लुक वाइज, फील वाइज तो दोनों लगभग सेम ही हैं। हम सेम डीएनए के साथ अलग अलग बाइक्स कह सकते हैं, सेम इंजन के साथ अलग अलग हम दोनों को नाम दे सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली बाइक तो अब सेम ही है। पहले की स्टैंडर्ड अलग होती थी, लेकिन अब जो स्टैंडर्ड आ रही है, जो बुलेट आ रही है, वो ऑलमोस्ट सेम क्लासिक ही है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे कि क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। प्राइस डिफरेंस भी है गाइस। इस वेरिएंट की बात करूँ तो दिस इज़ मिड वेरिएंट ऑफ बुलेट एंड प्राइसिंग है इसकी 1.97 लाख एक्स शोरूम। ऑन रोड तक आते आते ही आप इसे मानिए कि 2,35,000-40,000 के आसपास ये पड़ती है आपको। एंड जो क्लासिक की बात करें तो ये थोड़ी सी प्राइसी है उससे, एंड लगभग 15,000-20,000 पे आपको ये महंगी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी प्यारी बुलेट से, जो कि आज ही लॉन्च हुई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी फ्रंट लुक से। तो फ्रंट लुक में हमें एग्जैक्टली सेम हेडलाइट मिलेंगी, कोई डिफरेंस देखने को नहीं है। राउंड लाइट, रिफ्लेक्टर लाइट, इसमें हेलोजन बल्ब मिलता है। एंड जो ये पोर्शन है हेड, ये भी बिल्कुल सेम है, तो मतलब सेम ही फर्मा रखा गया है। और जो शॉकर है वो भी सेम है, 41 mm के शॉकर मिलते हैं, एंड ट्रैवल रहने वाला है 130 mm का। इसमें हमें फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलती है बाइब्रे की, एंड इसमें हम जो व्हील देख सकते हैं वो भी हमें क्रोम मिलेगा। 19 इंच का व्हील मिलेगा, 100 सेक्शन का टायर रहने वाला है। एंड अब क्लासिक की बात करें गाइस, तो आप क्लासिक को देख सकते हैं, सेम लाइट है कि क्लासिक के ये वाले वेरिएंट में हमें कैप देखने को मिलती है, एंड पार्किंग लाइट्स भी बिल्कुल सेम है। मडगार्ड की चौड़ाई, इसकी जो गोलाई है, लेंथ है, वो भी बिल्कुल सेम रखी गई है स्टैंडर्ड जैसी। शॉकर भी 41 mm 130 mm सस्पेंशन रहेगा, 19 इंच का व्हील रहेगा, एंड ये भी क्रोम रहेगा। इसमें स्पोक्स आते हैं, एंड फ्रंट में हमें 300 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है बाइब्रे की। गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की। इंजन इज़ लेटेस्ट जे सीरीज़, जो कि इंटरसेप्टर के इंजन पे ही बेस्ड है। इंटरसेप्टर का इंजन 650 cc का आता है, इसका 350 cc का आता है। एंड इंजन की बात करें तो दैट इज़ 350 cc, एंड पावर निकालता है 20 bhp, एंड जो टॉर्क रहने वाला है वो है 27 Nm का, मेटेड विद 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स। तो गाइस अब आते हैं साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में देखें सबसे पहले इसका टैंक। पहले के स्टैंडर्ड में जो टैंक आता था वो डिफरेंट आता था, उसकी शेप जो है थोड़ी डिफरेंट होती थी। हम टैंक देख रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम है बुलेट जैसा। 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आती है, एंड इसमें जो फ्यूल लिड है वो भी बिल्कुल सेम है। ये डिटैचेबल नहीं है, ये देखिए, ये डिटैचेबल नहीं है, ये हाथ में नहीं आती। एंड अब बुलेट में भी बिल्कुल वैसा कर दिया गया है। डिज़ाइन में ज़रूर डिफरेंट देखने को मिलता है, उसमें हमें रॉयल एनफील्ड की पत्ती आती है, देखिए, ये देखिए, इसमें हमें जो पत्ती है ना, ये रॉयल एनफील्ड की कहेंगे कि हम एक रॉयल एनफील्ड का एम्बलम है, ये रॉयल एनफील्ड का लोगो है। बुलेट इसी लोगो की वजह से एंड इसी पत्ती की वजह से, एम्बलम की वजह से जानी जाती है। पहले की स्टैंडर्ड में ना बहुत पतली पत्ती आती थी, इसमें काफ़ी मोटी कर दी है, क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी कर दी है। एंड इसमें जो टैंक के आसपास आप पेंट देख रहे हैं, ये हैंड क्राफ्टेड पेंट है, ये तो हम सब जानते ही हैं। टैंक में कोई सेम नहीं है, सिर्फ कलर्स और थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो आप देख सकते हैं इसमें जो फिल्टर है, क्लासिक का जो फिल्टर है, ये राउंड मिलता है। एंड ये जो पूरा पोर्शन है ना, ओवरऑल बिल्कुल सेम है जो बुलेट में हमें मिल रहा है। अब देखिए बुलेट का, बुलेट में ये जो एयर फिल्टर है, ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर रखा गया है। ये देखिए, ये पोर्शन जो है ना, ये बिल्कुल सेम है। इसमें एयर फिल्टर वगैरह एंड टूल बॉक्स वगैरह इसमें होता है। ये जो अंदर का पोर्शन देखना प्लास्टिक का, ये भी बिल्कुल सेम है। एंड गाइस अब बात करें इन दोनों के सीट्स की, तो सीट्स में हमें डिफरेंट देखने को मिलता है। इसमें हमें स्प्लिट सीट्स देखने को मिलती हैं, काफ़ी कर्वी, कंफर्टेबल। एंड बुलेट की बात करें तो बुलेट में सिंगल सीट मिलती है, लेकिन जो कंफर्ट रहने वाला है वो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है गाइस। एंड क्लासिक से भी ज़्यादा कुशनिंग मिलेगी हमें इस बुलेट में, स्टैंडर्ड में। एंड वाटर प्रूफ सीट्स हैं, खाली स्टिचिंग्स में जो है हल्का हल्का पानी जाता है, लेकिन ओवरऑल पानी कहीं नहीं जाएगा गाइस। एंड गाइस अब बात करते हैं इसके रेयर सस्पेंशन की। तो रेयर सस्पेंशन कुछ ऐसा मिलता है गाइस, 6-way एडजस्टेबल, जो कि सेम बुलेट में भी मिलता है गाइस। बुलेट में भी बिल्कुल सेम 6-way एडजस्टेबल शॉकर मिलेगा, एंड कुछ ऐसा सा इसमें सारी गार्ड मिलता है, एंड जो फुटरेस्ट देख रहे हैं वो भी हमें एडजस्टेबल मिलता है।
एंड गाइस अब बात करते हैं इसके रेयर टायर्स की। तो रेयर टायर में कोई डिफरेंस नहीं है गाइस, वही सेम 120 सेक्शन 18 इंच का स्पोक व्हील क्रोम में मिलेगा। एंड सेम हमें बुलेट में भी क्रोम स्पोक व्हील विद डिस्क ब्रेक। एंड गाइस जो मेन डिफरेंस आता है वो आता है इनके मडगार्ड में, कि इसका जो मडगार्ड है ना गाइस ये राउंड, ये देखिए यहाँ से भी राउंड है, सेम चौड़ाई का है, लेकिन जो स्टैंडर्ड का है ना गाइस यहाँ से राउंड होता है, लेकिन यहाँ से ये थोड़ा चपटा रखा गया है। ये स्टैंडर्ड की पहचान कराता है कि ये स्टैंडर्ड बुलेट है। और पीछे से देखें ना गाइस, ये देखिए पीछे से जो क्लासिक का मडगार्ड है वो काफ़ी नीचे तक आ रहा है, लेकिन जो बुलेट का मडगार्ड है उसकी हाइट ऊपर रखी गई है। तो इसमें पानी की छींटे थोड़ी ज़्यादा आएंगी, लेकिन न्यूड न्यूड सी लुक बुलेट दे रही है, ये मुझे ज़्यादा पसंद आ रही है। टायर की ग्रिप दोनों बिल्कुल सेम है, एग्जॉस्ट बिल्कुल सेम है, डिस्क ब्रेक बिल्कुल सेम है गाइस। 270 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, जहाँ इंटरसेप्टर में 240 आती है, इन बाइक्स में कम रेंज की बाइक्स है, इसमें हमें 270 mm की डिस्क ब्रेक मिल रही है। लेकिन जो लाइट है ना वो सेम है, ये LED मिलती है, दिस इज़ ऑल्सो LED, हेलोजन हमें इंडिकेटर मिलेंगे, रॉयल एनफील्ड की यहाँ बैजिंग मिलेगी, यहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड की बैजिंग मिलेगी। एंड गाइस ये देखिए इन दोनों की चैसी ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम, ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम। पहले की स्टैंडर्ड में सिंगल फ्रेम चैसी आती थी, लेकिन इसमें डबल कर दी गई है, इसमें भी डबल कर दी गई, ये तो पहले से आती थी, लेकिन ये लेटेस्ट वेरिएंट है। इसमें देख सकते हैं आप बिल्कुल सेम चैसी डबल कर दी गई है, सिंगल हॉर्न मिलेगा, दोनों में सिंगल हॉर्न मिलेगा, एग्जैक्ट सेम एग्जॉस्ट, एग्जैक्ट सेम इंजन, एंड दोनों में किक नहीं मिलती, दोनों आपको सेल्फ स्टार्ट ही मिलेंगी। एंड गाइस यहाँ देखिए इसका फुट रेस्ट एंड इसका ब्रेक पैडल कुछ ऐसी शेप का मिलता है, एंड वहीं क्लासिक का देखें तो इसका फुट रेस्ट एंड ब्रेक पैडल बिल्कुल सेम। एंड गाइस अब आते हैं इसके हैंडल की तरफ। तो जो बुलेट का हैंडल है वो कुछ ऐसा सा देखने को मिलेगा हमें, सेमी डिजिटल क्लस्टर, ये देखिए एनालॉग स्पीडोमीटर एंड डिजिटल फ्यूल गेज, डिजिटल ओडोमीटर एंड ट्रिप्स वगैरह इसमें कुछ मिल जाएंगी, एंड कुछ ऐसी सी चाबी आएगी गाइस कंप्यूटराइज की, एंड इसे स्विच गियर्स कुछ ऐसे से मिलते हैं, हैजार्ड लाइट का फंक्शन मिलेगा, ब्रेक ऑयल रिजर्वायर, इसमें हमें लीवर्स देखिए कुछ ऐसे से मिलते हैं एलुमिनियम के राउंड से, काफ़ी कंफर्टेबल है, चुभते नहीं हैं। इसमें हमें क्रोम साइड मिरर्स मिलते हैं, एंड इस पोर्शन देखिए ये वाला पोर्शन, यहाँ पे भी स्विच गियर्स कुछ ऐसे हैं बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्लासिक जैसे। क्लासिक का देखें अब तो ये देखिए इसका मीटर भी बिल्कुल सेम है, ऐसा लगता है कि रॉयल एनफील्ड ने सिर्फ नाम चेंज किया है, बाइक बिल्कुल सेम बना दी है। एनालॉग स्पीडोमीटर एंड इसमें डिजिटल फ्यूल गेज, ट्रिप वगैरह ऑटो वगैरह मिल जाएगी, चाबी भी इसकी सेम है, स्विच गियर्स हैंडल वगैरह बिल्कुल सेम है। तो गाइस डायमेंशंस में फ़र्क की बात करें तो चौड़ाई बिल्कुल सेम है, लेकिन लेंथ आपको स्टैंडर्ड बुलेट की मिलती है 2110 mm, लेकिन आपको क्लासिक की मिलती है 2145 mm, यानी 35 mm से क्लासिक लंबी है। एंड एक और डिफरेंस जो डायमेंशन में देखने को मिलता है कि बुलेट की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें देखने को मिलती है 160 mm, हालांकि सब कुछ सेम है, टायर सेम है, चैसी सेम है, इंजन सेम है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस हमें इसमें 160 mm की देखने को मिलती है। एंड वहीं क्लासिक में जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें 170 mm की मिलती है, मतलब 10 mm हमें क्लासिक में ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिलेगी गाइस। बाकी डायमेंशन में गाइस कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्ट सेम वेट 190, एग्जैक्ट सेम सीट हाइट 805 mm। गाइस अब इन दोनों की साउंड सुनने का टाइम आ गया है, अब इन दोनों की साउंड सुनेंगे कि क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले क्लासिक को स्टार्ट करा जाए, इसकी साउंड सुन ली, अब साउंड सुनते हैं गाइस बुलेट की। तो गाइस मुझे तो ऐसा सच कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, दोनों की साउंड भी एग्जैक्ट सेम है, वो तो मैंने आपको बताया ही, साइलेंसर की शेप, साइलेंसर का मॉडल, इंजन सब सेम है, तो साउंड भी गाइस सेम ही है। सो गाइस मैं बुलेट पे बैठ चुका हूँ,
एंड कुछ देख सकें कि मेरी हाइट अप्रॉक्स 6 फीट है एंड मेरे जो फीट्स हैं वो इजीली टच कर रहे हैं, मेरे को ऐसा उठाना नहीं पड़ रहा। सीट हाइट की बात करूँ तो 805 mm आती है और जैसे इंटरसेप्टर में भी 800 mm कहते हैं लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो जो है मुझे अपने पैर ऐसे उठाने पड़ते हैं क्योंकि वो ना चौड़ी है, तो ये चौड़ी नहीं है उतनी, सीट हाइट इसकी बल्कि ज़्यादा है लेकिन मैं कंफर्टेबली पैर अपने टच कर पा रहा हूँ फ्लोर से, जो मेन बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि जो सीट एंड हैंडल में जो डिफरेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो इससे जो आपकी जर्नी है ना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। जैसे इंटरसेप्टर में ना आपको ऐसे, हंटर में भी आपको थोड़ा झुकना पड़ता है, स्टैंडर्ड क्लासिक में आपको झुकना नहीं पड़ता, ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को। दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो बस इतना ही। होप आपको आज की कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी हो क्लासिक एंड बुलेट में। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डू लीव अ कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड जो जो फ्रेंड मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में को बैक टू बैक ऐसी वीडियोज मिलती रहे। तो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय गाइज़।